नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तुषार और tennisbase.com के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जब भी वो बॉलिंग डालने जाते हैं और एम्पायर के लेफ्ट साइड से अगर बॉलिंग डाल रहे हैं तो उनको क्या कहना है, या फिर राइट साइड से बॉलिंग डाल रहे हैं तो उनको क्या कहना है। तो ये एक बड़ा कन्फ्यूजन है बहुत सारे लोगों में। तो इसके लिए उस टाइम पे जो भी बॉलर है वो एम्पायर को ये कहता है, ये साइड से मैं बॉलिंग डाल रहा हूँ, या फिर कहता है कि ये साइड से मैं बॉलिंग डाल रहा हूँ। तो ये एक तरीका नहीं है, आपको मैं एक सिंपल तरीका मैं आज बताने वाला हूँ जो कि एकदम सिंपल है। फर्स्ट थिंग, आपके सामने अगर कोई भी बैट्समैन है, जैसे कि लेफ्टी है या फिर राइटी है, और आप एक राइट हैंडेड बॉलर है, राइट हैंड से आप बॉलिंग डालने वाले हैं हम्पायर के लेफ्ट साइड से। याद रखिए, अगर आप एक राइट आर्म बॉलर है और हम्पायर के लेफ्ट साइड से आप बॉलिंग डालने वाले हैं और सामने कोई भी बैट्समैन है, लेफ्टी है या राइटी है, तो हम्पायर को आपको बोलना है राइट आर्म ओवर सर। और वही आपको, आप अगर एम्पायर के राइट साइड से अगर आप बॉलिंग डालने वाले हैं तो एम्पायर को आपको कहना है राइट आर्म राउंड सर, चाहे सामने लेफ्टी हो या राइटी हो। तो ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया अगर आप एक राइट हैंडेड बॉलर है तो। अभी अगर आप एक लेफ्ट हैंडेड बॉलर है तो सामने भी कोई लेफ्टी है या राइटी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप एम्पायर के लेफ्ट साइड से अगर आप बॉलिंग डालने वाले हैं तो एम्पायर को आपको कहना है लेफ्ट आर्म ओवर सर। और वही अगर आप राइट साइड से आप बॉलिंग डालने वाले हैं एम्पायर के, तो आपको कहना है लेफ्ट आर्म राउंड सर। तो ये एकदम सिंपल तरीका है मैं समझता हूँ। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में ये बताइए कि आपका अगर कन्फ्यूजन पहले था तो अभी ये दूर हुआ कि नहीं हुआ। मैं ज़रूर आपका कमेंट्स पढ़ना चाहूँगा। ये एक्चुअली मैं वीडियो इसके लिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरी जो लास्ट वीडियो थी, जो कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि क्या अगर आप हम्पायर को साइड बताना भूल गए, तभी कुछ कमेंट्स आए उस वीडियो में कि राइट आर्म राउंड कभी बोलते हैं, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।